कोरोना काल में कहाँ छुप गया था बिल में, कहाँ चला गया था, कहीं कंगना रनावत के बंगले में बैठता था, कहाँ बैठता था ये संबित पात्रा, क्या उसकी थूथड़ी तोड़ेंगे जो हमें मिल गया कहीं, जो कह दे कि MSP पहले से घोषित करें। जब तेरा खेती तेरे नहीं, लुगाई तेरे नहीं, घर बार तेरे नहीं, हवाई जहाज में कैसे जा, फिर हमारी जमीन में क्यों टांग डाला? अगर हमारी फटी में टांग देगा तो इसकी टांग तोड़ के मेरे जैसी कर दी जाएगी। अब कहाँ है वो स्मृति रानी, क्यों नहीं अब उसे अपने फुप्पा को जो चूड़ी भेजती अब भेजे ना, कहाँ बड़गी भट में। इसने कहा नोटबंदी में के 50 दिन, भाइयों बहनों 50 दिन दे दो, वरना जिस चौराहे पे कहेंगे अरे यो सारे चौराहे हैं, आजा पिछवाड़ा लाल करके भेजेंगे। अभी ना हर हर मोदी और लू करे, हर हर मोदी और लात मार मोदी, घर घर लात मार मोदी, तो अब मोदी के लात लगेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और आपको 8 तारीख दे दी गई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें 11 तारीख लग गई है सुनवाई की, और 60 नहीं है, शायद 62 या 63 हो गए हैं, शहादत हुई है। कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास शहादत देने के लिए। एक तो यही खड़ा तुम्हारे सामने ददीची की हड्डी, जब किसानों को चाहिए हथियार बनाने के लिए सबसे पहले जाऊँगा। तो ये तो चलती रहेंगी शहादत, इसका सरकार जवाब देगी। सर जिस तरह से आप आ रहे हैं किसान आंदोलन में, जो आंदोलनकारी हैं किसान हैं, पुलिस उनको जगह जगह रोकती है, उनका प्रोफाइल चेक करती है, उनका पूरा पता ले लेती है आजकल। अरे मैं भी देख रहा हूँ वो कौन सी पुलिस है, इन्हें मैना दिखाई दिया भाई, मैना दिखाई दिया इन्हें, मेरे से ले लो, या तो वो पुलिस रहेगी या मैं रहूँगा। आंदोलन में से मुझे रोक के दिखावे ना, ये कायरता का काम है। अगर किसी को अपना अधिकार मांगने जाना है और वहाँ पुलिस के आगे करते हैं, तो मैं इसके लिए एक ही कहता हूँ कि जब जब BJP डरती है पुलिस को आगे करती है। कम्युनिस्टों का नारा है, क्या है कम्युनिस्ट है उत्तर प्रदेश में, क्या कम्युनिस्ट, क्या वहाँ से आए हैं, चीन से आए हैं कम्युनिस्ट, अमेरिका से आए हैं, वे हिंदुस्तान में क्यों है? संबित पात्रा का रहा कम्युनिस्ट, संबित पात्रा कौन है? ये संबित पात्रा इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार है संबित पात्रा। हमारे फ्री की MBBS की उस पर पढ़ाई की, और आज तक एक किसी पेशेंट को नहीं देखा। कोरोना काल में कहाँ छुप गया था बिल में, कहाँ चला गया था, कहीं कंगना रनावत के बंगले में बैठता था, कहाँ बैठता था ये संबित पात्रा? डॉक्टरी का पैसा, डॉक्टरी करनी चाहिए थी, वरना इससे वो पैसा वसूल किया जाए उस सीट पर जितना पैसा खर्च हुआ था। सर ये जो पूरा बारदाना है किसानों को, जो टेंट लग रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, BJP के नुमाइंदे कहते हैं कि इतना सारा माल कहाँ से आ गया किसानों के पास में? अरे जोन सा वो नेता ना BJP का है, उसे बता दे तेरे फुप्पा गंगा जी पे जाग रहे हैं रो हर साल गंगा जी जहाँ गढ़ के मेले पे, और कम से कम 1 करोड़ आदमी रहे हैं यहीं गढ़ में ही, जो रहे हैं तेरे पास में ही है, सबका टेंट लगे हैं। अरे वो ना वहाँ ना लगा टेंट, यो लग गया मेला सा, और क्या मजे में रह रहे हैं, यो बड़ा मेला लग गया। और सबसे बड़ी बात देखे ना, तो यो भाई कभी मुझे मिला था ना, यो भाई मुझे मिला था है, ये मेला सरकार के नाम दम कर रखा, और जो सरकार हमें फांसी लगा रही है उसे कौन देखेगा? हम तो कह रहे हैं के बाद तू अपने काले कानून वापस ले, सरकार चला, हम घर को चल रहे, हमारे हम अपनी खेती करेंगे। क्या कानून कैसे वापस ले लेने करी सरकार, हमको समझ में नहीं आ रहे कानून। अरे तो आग समझने में ना आए क्यों, कौन अरे कौन सा प्रोफेसर है इनके पास, उस प्रोफेसर को भेज जाना असली वाले को, ये चपरासियों को भेज दे बार बार, जोन सा वो असली प्रोफेसर है उसे भेज दे, हम भी देख ले कौन सा समझाने वाला। बताइए आप वहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं, सरकार की मंशा आपको साफ पता है, क्लियर उन्होंने कह दिया कि रद्द पूरी तरीके से नहीं होंगे, आप कह रहे हैं पूरी तरीके से कराना, मीटिंग का नाटक किस लिए फिर? ये तो वो बताओगे क्यों कर रहे हैं, वे देश को दिखाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की भी है मीटिंग में जाने की, जाते हैं ना? देखिए नेता जाते हैं, आप नहीं जाते? अरे वे हमारे बड़े हैं, कम से कम ये उनका डिसीजन है, अगर हम ना जाएं तो फिर कहेंगे किसान तो अड़के बैठ गए, मीट बात करने भी नहीं आते, चित भी अपनी पट भी मेरी अंटा मेरे बाबा का, ऐसा करना चाह रहे ये है, तो वो हम करन ना दे भाई, वे बुलाओ जितनी बार बुलाओ, हमें क्या करना? देख ऊपर वाले ने कैसी बढ़िया बारिश करी, खेत गेहूँ में पानी लग गया, सब जगह पानी लग गया, देखिए बालक कैसे सेवा कर रहे, इससे बढ़िया सेवा मिलेगी? लेकिन इस बार जो दोनों उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट किसानों से ना जमीन लेते हैं ना अनाज लेते हैं, हमको बेकार कोसा जा रहा किसानों के द्वारा। भाई एक बात तो बताओ, इस देश के दो ही उद्योगपति हैं,
इस देश में जितने भी आज तक बीजेपी के राज में ठेके गए सारे 95% ठेके इन्हीं दो को मिले हैं, यही उद्योगपति हैं, सारा लोन इन्हीं को मिले हैं। अरे ये जो रफाल जो तुम डकराओ हो, ये 5 जहाज आ गए, इससे पहले हिंदुस्तान में जहाज ना आए थे। संसाधन उनके पास है, हर चीज वो मजबूत है तो उन्हें मिलेगा ठेका जब किसे। अरे उस पे तो वो तो वो है क्या बोल लग रहा है वो दिवालिया अनिल अंबानी तो दिवालिया है जिसे ये ठेका दिया, उस पर कौन सी रफेल की है। अरे अगर देना था तो हिंदुस्तान नॉर्को टैक्स को देते जिसे हवाई जहाज बनाने का तजुर्बा है। अरे यार मेरे पर ट्रैक्टर चलाना आता नहीं और तुमने हवाई जहाज दे दिया तो मैं तो मरूंगा तुम्हें भी मार लूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है मोदी राज में। अरे हम कद कह रहे हैं, देखिए कितना बड़ा मजबूत हाथों में, कितना देश तरक्की कर रहा, खाट से तो सड़क पे सो रहे, देखिए भैया इनको दिखा दिए, देखिए सारे अच्छा और कैसा बड़ा मजबूत है, मील की पर्ची गांडा घेर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खड़े हो है, देखिए अभी एक। और हाँ इस पे बात मैं करूँगा, पहले एक बात सुन, वे जो वहाँ कुत्ते आवे ना रोज टीवी पे, रुक जा मैं दे दूँ, कुत्ते जो आवे रोज टीवी पे भौंकने मुर्गे से लड़े वे है, क्योंकि क्या काम है वहाँ एक ही काम है, दो तो बैठेंगे हम जैसे है लड़ने वाले, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, एक बैठेगा उन्हें समझाने वाला है, एंकर बैठ जाएगा सबको भिड़ाने वाला है, बस यही करेंगे वे। और क्या करेंगे, उनकी जो बहस होगी गरीबी की रेखा पे है, और बहस करेंगे रेखा की गरीबी पे। मैं कहूँगा कि मेरी पर्ची देख, मेरी पर्ची और वहाँ बैठ के कहें वे बहुत चिल्लावे कि हम MSP फसल आने से पहले जारी कर देते हैं, तो ये उसके बाप की पर्ची है, उसके बाप की जो वहाँ बोल रहे हैं ये तो गन्ने की है। अरे गन्ना भी तो MSP पे बिक रहा, मील में और खाए पे बिक रहा, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी है उसमें है, और कॉन्ट्रैक्ट है, और देख भाई इसमें रेट है 00 तो हमें यही पता नहीं, तो उनसे कहना 200 दे दें 150 दे दें, अब के उसकी थूतड़ी तोड़ेंगे जो हमें मिल गया कहीं, जो कह दे MSP पहले से घोषित करें। अब का किसान इतना गुस्से में है बता देना उन्हें, और खुशहाल का तो तने देख लिया सड़क पर पड़े कितने बढ़िया। आप मोदी जी का विरोध कर ले, बाबा रामदेव कल ही टेलीविजन पर बैठ के कह रहे थे कि एक शख्स ऐसा बना दो जो देश का प्रतिनिधि कर सके, मोदी का नाम लेना छोड़ देंगे, जो दे, कोई एक शब्द एक नाम बता दो मोदी का नाम। देखे जब से यह देश आजाद हुआ, पहले नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना था, लोग बाग कहते थे अगर नेहरू मर गया तो कौन, शास्त्री जी आ गए, फिर कहा मगर शास्त्री जी मर गए तो हक्का प्रधानमंत्री कौन है। तो भैया ये तो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, ये चलती रहेगी, कल को मोदी मरेगा 10 साल बाद मरेगा, फिर कौन तुम बताओ। और दूसरी चीज यदि एक एक गांव एक राजा ने कही कि मैं एक इनाम दूंगा सबसे बड़ा, जिसका बच्चा सबसे सुंदर होगा। अब एक सब अपने अपने बच्चों को लेके गए भाई, सबके गबरू जवान थे सुंदर थे, एक का मेरे जैसा भी था बेकूफ सा बुढ़िया का, वो भी लेगी, बोले भाई तू क्यों आई, अक मेरा बेटा है इसलिए सबसे जवान है, तो इसलिए ये धरती हमारी माँ है, इसे लेन नहीं दे किसी को भी। जो रामदेव वहाँ बैठ कर कह रहा ना, यो ही कहे सबसे ज्यादा, अक ये बिल बढ़िया है, तो जब तेरा खेती तेरे नहीं, लुगाई तेरे नहीं, घर बार तेरे नहीं, हवाई जहाज में कैसे जा, फिर हमारी जमीन में क्यों टांग डाला। अगर हमारी फटी में टांग देगा तो इसकी टांग तोड़ के मेरे जैसी कर दी जाएगी। वो तो देशवासी को घी खिलाते हैं गऊ का देसी। अरे यार बार बार पूछो भाई तुम, ये देसी घी कौन सी गाय बंध रही है, शुद्ध खावे हम अपने घर निकाल के, वो तो सारा रिफाइंड खुआ है सब ये जितने भी कंपनी वाले। अच्छा सर जो रामदेव जी हैं वो आए तो थे मतलब योग कराने के लिए, लेकिन आज योग तो करा नहीं रहे हैं और वो का कारोबार कर रहे हैं। भैया वो बाबा रामदेव नहीं है, मैंने बताया तुम जैसे भकाए में आ गए, वो लाला रामदेव है, उसने तो ये भी कही थी भाई 15 लाख रुपए आवेंगे तेरे खाते में, अन्नू करके आंख मार दी थी तब समझे नहीं समझो। हाँ लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि 35 लीटर तेल 35, अरे तो फिर भी आंख मारी थी उन्होंने नूकर का, तब समझ नहीं, अब समझे ना, अब आ गया ना, देख रहे ना, देखिए एक स्मृति ईरानी है जिस टाइम संसद में 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था हम लोगों को है,
और 300 रुपए के सिलेंडर पर देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेंट कर रही थी, सिलेंडर सिर पर ठाव फिरे थी। आज हमारा सिलेंडर 692 रुपए का आया भाई, खत्म कर दी सब्सिडी की तो छोड़ दो, 692 रुपए का आया आज मेरे सिलेंडर है। अब कहाँ है वो स्मृति रानी, क्यों नहीं अब उसे अपने फुप्पा को जो चूड़ी भेजती अब भेजे ना, कहाँ बढ़गी भट्ट में। ये सांसद जितने बैठे हैं ना ये सारे हराम का खाने वाले हैं, लेकिन कुछ गरीबों को मिल भी रहे हैं। क्या मिला गरीब को, किसको मिला? उज्ज्वला गैस योजना के तहत। उज्ज्वला गैस योजना का सच सुन लो भाई, सच बहुत उज्ज्वला उज्ज्वला योजना करते हो तुम लोग, पहले उसकी सच्चाई जान के आ करो पत्रकार महोदय। उस उज्ज्वला योजना का क्या है, इन्होंने कहा कि फ्री में सिलेंडर देंगे गरीबों को, चूल्हे दे दिए सिलेंडर दे दिए, और उनकी जो सब्सिडी आती थी वो नहीं उन्हें मिलेगी जब तक इसकी पूरी रिकवरी ना हो जाए। ये है उज्ज्वला योजना का सच। तो ये 700 रुपए में सिलेंडर भरवा दिया उनका, 800 में भरवा दिया है, किसान कैसे कैसे ले लेगा, गरीब आदमी 700 रुपए एक साथ कहाँ से लाओगे इकट्ठे करके है? तो ये बेवकूफ बनाना है, पक्का जुमलेबाज, झांसाबाज, झांसाराम। देखिए देश का सबसे बड़ा झांसाराम अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा झांसाराम है। आज तक इसकी एक बताइए जो इसने कहा हो और वो सच हुआ हो। इसने कहा नोटबंदी में कि 50 दिन, भाइयों बहनों 50 दिन दे दो, वरना जिस चौराहे पे कहेंगे अरे यो सारे चौराहे हैं, आजा पिछवाड़ा लाल करके भेजेंगे। सब गुस्से में बैठे हैं, ये गुस्सा है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, हरहर मोदी गुस्से में तो नहीं हो, हरहर मोदी घगर मोदी बोलते हैं ये युवा पीढ़ी। हाँ ये बोल रहे थे क्योंकि इन्हें पता नहीं था, हम तो आ गए 15 लाख के झांसे में और ये आ गए 2 करोड़ की नौकरी के झांसे में। अब जो 2014 में 18-20 साल के थे, आज वे 25-30 साल के हो, 25-26 साल के हो गए हैं। अब सालों के सबके ब्याह हो गए, एक एक बालक भी हो गया होगा, तो अभी ने रोजगार तो मिला नहीं किसी को हैं। तो अभी ने हर हर मोदी और नू करे हर हर मोदी और लात मार मोदी, घर घर लात मार मोदी, तो अब मोदी के लात लगेंगी। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं सारे मामले, चुनाव में सब ये मुद्दे जो आप भूल जाते हो हैं, चुनाव में सारे मुद्दे भूल जाओगे आप सारे? देखिए चुनाव अलग चीज़ है, सरकार तो बनती है अभी। हाँ सरकार बनती है तो अभी ये सीख जाएंगे सब, अभी इन्होंने सीखा नहीं है। देखिए मोदी जी कहते हैं मैं शब्द क्या होता, मैं तो बकरे की नहीं रही, मोदी जी की तो औकात क्या, मैं तो बकरे की नहीं रही, मैं बकरे ने की, सुन लो भाई तुम्हारे काम किए बाल को, मैं बकरे ने की, कुछ कट गया कुछ फिक गया कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ ले गया नद्दा खरीद के, नद्दा कह धुने को, और जब पड़ी मार हथौड़े की है धुनकी की, जब पड़ी मार धुनकी की तो मैं की जगह तू ही निकलने लगा, तो मैं तो किसी बकरे की नहीं रही इनकी तो क्या। देखिए अब किसानों का सबसे बड़ा ऐलान आ गया है कि आपके माध्यम से, और जो घरों में बैठे उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जो मोदी जी कहते थे ना सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तो मोदी जी सुन लीजिए, आप कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तो मोदी जी के मैं था, हम कहते हैं सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम ये देश नहीं बिकने देंगे, देश हमारी माँ है, हम ये देश नहीं बिकने देंगे, सौगंध हमें भारत माँ की, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, और तीनों काले कानून वापस करा करके ही घर जाएंगे, वरना सीने पे गोली खाएंगे, अर्थी पे लौट के जाएंगे।